जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके 21 और 22 अगस्त के दोनों को हम इसी वीडियो में आज कवर करेंगे, क्योंकि कल वीडियो नहीं आया था। और आज का वीडियो थोड़ा सा लेट इसलिए है क्योंकि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट जो है चली रही है, आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेज में थोड़ा सा व्यस्त थे और इस वजह से आज जो है सुबह आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास आई नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें आप लोगों को 21 और 22 अगस्त दोनों के करंट अफेयर मिलेंगे। तो जो भी साथी आज पहली बार चैनल पर जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसने यमुना पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की है? तो ये की है आपकी गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ठीक है दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है, जो कि आपके वर्तमान में जल मंत्री हैं, तो इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस देश के 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वार्षक, ठीक है, बम वार्षक खरीदेगा? ठीक है, ये वार्षक या वर्षक है ये, ठीक है, यानी कि बम बरसाने वाली जो ये मिसाइलें हैं, 160 लंबी दूरी के बम खरीदेगा, तो ये रूस से खरीदेगा अभी भारत, और 6 खरीदेगा जिसका नाम है TU-160। ठीक है, रूस से इनको खरीदेगा, ये आप लोगों को इसमें याद रखना है। थर्ड है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस कौन सी बनी है? घरेलू एयरलाइंस, दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये एयरलाइंस है आपकी विस्तारा। ठीक है, विस्तारा आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? जिसकी शुरुआत आप लोगों की ये हुई थी 2014 में, और वर्तमान में इसके CEO हैं विनोद कन्नान। ठीक है, विनोद कन्नान आपके इसके CEO हैं विस्तारा एयरलाइंस के। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस बनी है। फोर्थ क्वेश्चन है, किस देश में पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है? तो पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है पाकिस्तान में। ठीक है, पोलियो रोधी टीकाकरण की शुरुआत हुई है पाकिस्तान में। अब पोलियो की बात आई है तो एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि एक दशक के बाद जो एक केस निकला था पोलियो का, वो कहाँ निकला था? तो वो आप लोगों का कहाँ निकला था वो आप लोगों को ध्यान रखना है, वो मैंने बताया था, अमेरिका जो है वो उसका सही आंसर था। ठीक है, उसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, वो मैं पहले एक बार करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, विश्व U20 चैंपियनशिप यानी कि U20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? तो ये जीता है आपका प्रिया मलिक ने। ठीक है, प्रिया मलिक ने रजत पदक जीता है U20 चैंपियनशिप में। ठीक है, U20 चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने चोंग वांग 2022 निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीतने वाले निशानेबाजी में हैं राहुल जाखड़, और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैं सिंगराज आधाना। ठीक है, सिंगराज आधाना है। ठीक है, तो राहुल जी ने जीता है स्वर्ण पदक और सिंगराज जी ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, किसमें? चोंग वांग 2022 की जो निशानेबाजी का विश्व कप हुआ है उसमें। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन है, हाल ही में मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़ा भारत का पहला NIDDA नामक पोर्टल के किस संस्था ने लॉन्च किया है? ठीक है, ये किस संस्था ने लॉन्च किया है? आपका NCB ने, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये शुरू किया है। अब जो नशीले पदार्थ होते हैं उन सभी चीज़ों के लिए ये पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है NIDDA, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटा बेस्ड ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, शुरुआत हुई थी आपकी NCB की 1986 में, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और मुख्य क्वेश्चन ही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया आप लोगों का? 21 अगस्त को, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका भी USA ने किए हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे USA से आप लोगों को याद रखनी है कि आरती प्रभाकर जो हैं वो राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार जो है वो नियुक्त हुई हैं, विज्ञान सलाहकार जो है नियुक्त हुई हैं आरती प्रभाकर। ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति? USA के राष्ट्रपति की विज्ञान सलाहकार। अगला है, BRO किस राज्य में स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो BRO, ठीक है, BRO आप लोगों का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा। अब ये स्टील स्लैग रोड क्या है? देखिए, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो
इस्पात कारखाने होते हैं वहाँ से जो मटेरियल निकलता है स्टील का, उस मटेरियल से ये स्टील स्लैग रोड्स बनाई जाती हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की रोड जो है बनाई जाती हैं और बहुत ही मजबूत रोड जो है वो बनाई जाती हैं। तो ये BRO अभी स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, किस कंपनी को एशियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एशियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है NTPC को, ठीक है, NTPC कंपनी को। NTPC क्या है अभी? NTPC आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। शुरुआत कब हुई? 1975 में। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? गुरदीप सिंह, ठीक है। तो इनको अभी बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AAI में किसी अधिवक्ता नियुक्त किया गया है? AAI में किसे अधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपके संजय मेहता जी को, ठीक है, संजय मेहता जी को। AAI क्या है? यह है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी शुरुआत हुई 1955 में, ठीक है, और इसके अधिवक्ता नियुक्त हुए हैं अभी संजय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने कलामन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है? देखिए इम्पोर्टेंट है, कलामन नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है आपके राजस्थान के गवर्नर ने, कलराज मिश्रा ने, ठीक है, कलराज मिश्रा हैं राजस्थान के गवर्नर और उन्होंने इसका लोकार्पण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितने प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया है? तो 7 प्राचीन कलाकृतियां लौटाने का फैसला यहां पर किया है आपका स्कॉटलैंड संग्रहालय ने, ठीक है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो अभी भगत सिंह जी के नाम पर यह नाम रखा जाएगा। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसमें हमने आज की वीडियो में कवर किए 21 और 22 अगस्त के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी आई होप, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और अधिक जानकारी के लिए, अधिक मैटर के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।